हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कोलम में पाइपिंग कैसे करते हैं। कोलम में स्विच के लिए पॉइंट डालना है, ये देख सकते हैं कोलम है, इसमें स्विच के लिए पॉइंट डालेंगे। ड्राइंग के हिसाब से ही पॉइंट इसमें डालना है। 130 सेंटी पे मैं इसको थर्माकोल लगाएंगे। 130 सेंटी बॉटम रहेगा, मतलब नीचे का हिस्सा। ओके, आप ये वीडियो को देखें और वीडियो देख के आप भी सीख सकते हैं। यहाँ दुबई में इसी तरीके से पाइपिंग होता है कोलम में। थर्माकोल लगाते हैं, थर्माकोल इसलिए लगाते हैं कि जब कोलम कंक्रीट हो जाएगा तो बाद में सेंटिंग खुलने के बाद आप भी इसको थर्माकोल जो होता है उसको निकाल के फिर उसमें 3x3 का GI बॉक्स आएगा, उसको आप लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं आप इस वीडियो में देखें, थर्माकोल कैसे लगाएंगे इस वीडियो में बताया। सबसे पहले इसमें मास्किंग टेप मारेंगे। मास्किंग टेप इसलिए मारते हैं जब इसको स्टील में मतलब सरिया में बांधेंगे तो ये फटेगा नहीं, थर्माकोल मजबूत हो जाता है। इसके लिए इसमें पहले मास्किंग टेप मारेंगे। इसमें चार पाइप आएगा, 220 का, 225 का। दो पाइप स्विच के लिए रहेगा और दो पाइप ब्रेक ग्लास के लिए है। अभी इसमें पहले हाफ साइड मारेंगे थर्माकोल रेडी करने के बाद। ये 20 का पाइप है, स्प्रिंग डाल के इसमें बेंडर स्प्रिंग है, इसको डालने के बाद फिर इसको हाफ साइड मारेंगे। हाफ साइड मारने के बाद पहले पाइप को ज्वाइंट करके दो पाइप को ज्वाइंट कर लेंगे स्टील में डालने के लिए। अब देख सकते हैं, अब ये पाइप को इसमें ज्वाइंट करेंगे कपलर लगा के। ये ग्लू है, ये देख सकते हैं कैसे इसको ज्वाइंट कर रहे हैं। इसी तरीके से ग्लू लगा के सारा पाइप पहले रेडी कर लेंगे, क्योंकि पाइप डालने में एक बार ज्वाइंट कर लेंगे तो पाइप सीधा डाल सकते हैं हम स्टील में। ये देखें, इस तरह से ज्वाइंट कर लिया। ज्वाइंट होने के बाद ये ग्लू है, ये दूसरा पाइप भी हम ज्वाइंट कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये बस लगाते ही तुरंत चिपक जाता है कपलर में। और इसका हाइट जो हम रखेंगे ये 130 सेंटी रखेंगे, 1300 mm। नीचे का बॉटम इसको रखना है 130, देख रहे हैं जहाँ पे टेप लगा हुआ है इसी हाइट में हमको रखना है। अब ये इसमें हॉल मार के हम पहले इसलिए रेडी कर लेते हैं, इससे ये होता है पाइप डालने में आराम होगा, सीधा पाइप को डाल देना है। अब पहले मैं हॉल मार के रेडी कर लेता हूँ, 220 का, 225 का। ये देख सकते हैं, ये 25 है ये वाला और ये वाला, ये दोनों 25, ये 20 का है ये दोनों। अब इसको हम स्टील में बांधेंगे। इसको स्टील में हम मार्किंग कर लिया कितना हाइट पे बांधना है, 130 सेंटी पे। LB रूम है इसलिए 130 सेंटी है, नहीं तो 120 सेंटी होता है। इसको हम 130 सेंटी पे लगाए हैं। स्टील वायर से दो साइड में बांध देना है, ये देख सकते हैं। इसको बढ़िया से टाइट करके बांध लेना है, ये निकले नहीं, इसी के ऊपर सेंटिंग हो जाता है। इसको अच्छा से फिक्स कर देते हैं कि थर्माकोल हिले नहीं। गल्फ़ में इलेक्ट्रिकल का काम इसी तरीके से होता है। न्यू वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देख सकते हैं, इसी तरीके से इसको मैं फिट कर लिया थर्माकोल को। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें, इससे आने वाला न्यू वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। अब ये पाइप के मुंह पे मास्किंग टेप मार दिया है, इसमें कंक्रीट ना जाए इसके लिए, ये देख सकते हैं। अब ये पाइप को मैं डालेगा, ये देख सकते हैं, इसी तरीके से पाइप को थोड़ा मोड़ के डाल सकते हैं। वीडियो के लास्ट में बताएंगे ग्राउंड फ्लोर का स्लैब में पाइपिंग कैसे होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर। अभी 20 का पाइप डाल रहा हूँ, ये देख सकते हैं, इस तरीके से पाइप को डालना है। पाइप इतना डालना है कि ऊपर निकल जाए, सरिया से हमारा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जब स्लैब होगा तो ये पाइप को स्लैब में ज्वाइंट किया जाएगा। ये कटिंग कर लेते हैं, इतना हमारा पाइप बड़ा हो रहा है नीचे का। मास्किंग टेप मार देते हैं इसमें, कंक्रीट ना जाए इसके लिए, सही है। इसके बाद ये देख सकते हैं, इस तरह से मास्किंग टेप मारे। मारने के बाद जो हॉल मारे थे 20 का, उसमें इसको ड्रॉप कर देंगे, ये देख सकते हैं। इसी तरीके से ड्रॉप करेंगे। हाफ साइड इसीलिए मारे थे, थर्माकोल हमारा बाहर है, अब पाइप अंदर है। अंदर से बाहर करने के लिए हम इसमें मास्किंग टेप हाफ साइड मारेंगे, मास्किंग टेप भी मारेंगे, ये देख सकते हैं। इसी तरीके से इसमें मास्किंग टेप मार के पाइप को अंदर करना है, कंक्रीट ना जाए, मास्किंग टेप इसीलिए मारते हैं।
ये देख सकते हैं चार पाइप डल चुका है, 220 का 225 का। अब ये पाइप को हम बांध देंगे, क्योंकि जब इसमें कंक्रीट होगा तो पाइप इधर से उधर ना हो, इसके लिए मैं इसको पाइप को बांध देते हैं। ये 25 का है और 220 का है, इसमें दो बॉक्स आएगा 3x3 का, एक ब्रेक गिलास के लिए हो जाएगा, एक स्विच के लिए हो जाएगा। जब ऊपर स्लैप होगा, स्लैप में पाइपिंग होगा, तो इसी पाइप को हम ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करके बॉक्स हमारा ऊपर लगेगा, उसमें जाके इसको मिला देंगे। देख सकते हैं थर्माकोल में इसी तरीके से हॉल मारना है। ये 25 का पाइप है, 25 का हॉल मार रहे हैं। ये पाइप को हम कटिंग किए हैं, अभी देखेंगे पाइप निकालेंगे तो आप देख सकते हैं। ये हॉल मार लेते हैं पहले, सीधा इसमें पाइप ड्रॉप कर देंगे। ये देख सकते हैं पाइप में कटिंग किया हुआ है, वो कटिंग कैसे करते हैं किसी शॉर्ट वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत आसान है, इसको कटिंग करके बना सकते हैं, ब्लेड से ही कटिंग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हॉल मारा है, ये दूसरे कॉलम में लगाने के लिए। ये हमारा देख सकते हैं हॉल सा कटर की तरह बन चुका था। ये देख सकते हैं सब बीम में जिसमें जिसमें चाहिए हम पाइपिंग कर चुका हूँ। स्लैब पाइपिंग कैसे होता है इसके बारे में एक वीडियो डाला हूँ, वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा ऊपर, और नहीं तो एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका वीडियो का लिंक मैं डाल दिया हूँ, आप देख सकते हैं। वो ग्राउंड फ्लोर का स्लैब है, वो ग्राउंड फ्लोर में स्लैब में पाइपिंग कैसे करते हैं, यहाँ गल्फ में बहुत से भाई लोग बोले थे, कमेंट किए थे, बोले थे हमको स्लैब का पाइपिंग चाहिए, तो वो भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ। ओके।